अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम बदामी बाग के इलाके अलमास कॉलोनी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनके एहतजाज की क्या नोयत है। जी बताइएगा, आप किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज कर रहे हैं जी, गरीब आदमी ने जनाब सारी उम्र हो गई कोठे बनाए निके निके ते जनाब कोठे ऐस एम्बर दी तमगना कोठे डिगन डे ने गरीब आदमियों के कि जेडे बेचारे को मजदूरी करके करके बनाए ने सांबर ने ना रात्र नींदरां बर्बाद कर दी दिन दे सुकून बर्बाद करते ने। यह गरीब आदमी जान किथे? ये तो सरमायादार आदमी ने ते जे साडे जगह ढम नूं फिरदे ने पै बेचारे इत्थों बेकार हो मन। हम ये पहले ये बताएं कि ये इलाका कौन सा है? शेखाबाद है, शेखाबाद न्यू रोड बदामबाग इलाका है जनाब। कोठियां नूं टेड़ा आ गईयां जनाब, है जिहड़े कोठे ने टेड़ा आ गईयां ने, डिगण वाले होए पए ने सारी दीवार पाड़ गई, मकान जड़े दूसरे जुदा हो गए ना सर। आप कभी डीसीओ साहब के पास नहीं गया इस मसले के लिए, या इस मसले के लिए आपने कहीं अदालत से रुजू नहीं किया? सरमायादार ने पैसे दे के तो निकल जाते ने, असीं गरीब आदमी कहे को जाइए? फरियाद साडी कोई फरियाद ही नहीं सुनता। जे कदे जाने जनाब जे पुलिस थाने जाईदा तां गल नहीं हुंदी। सरमायादार आदमी पैसे देने साडे ते पिछले पासे थले जो गली दे विच सारे मकान फटे पए ने, ए जिहड़े घरां दे चार रात नूं सौंदे नहीं, बच्चियां बुढ़ियां माइयां ओह सारी रात ठक ठक करदे बेचारियां बैठ रहिंदियां ने, कोई सुकून नहीं हैगा इत्थे। जे किसे फरियाद की किसे के करिए? इनका कहना जी कि यहाँ पे रात को हैमर चलता है जिसकी वजह से यहाँ पे दमक बहुत ज़्यादा पड़ती है और हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे उनकी नींदें जो है ना उनको नींद नहीं आती। जी आप इस बारे में बताइए। वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है, हम शेखाबाद के रहशी हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे तंग हैं, हमारे बड़े तंग हैं, जो बुजुर्ग तंग है। किस वजह से तंग? हैम्बर लगा हुआ है। कौन सा हैम्बर है ये बताइए? ये 4G का हैम्बर है, बहुत हैवी हैम्बर है। इसकी दमक से इस तरह वाइब्रेट होती है। यहाँ पे हमारे लैंटर फट चुके हैं और जो आप हमारे साथ अंदर चले हमारे घरों में हमारे छतें देखे वो भी गिर रही हैं। अंदर जाके आप तस्वीर लिखा है। और जो बच्चे हैं वो भी रात को परेशान करते हैं। हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, मजदूर लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं सब मजदूर तबका ये 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। और 12 घंटे के बाद अगर 4 घंटे या 5 घंटे हम आराम नहीं कर सकते तो फिर हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इनका कहना जी कि रात को जो हैमर चलता है उसकी दमक की वजह से हमारे घरों में जो है ना वो दरारें पड़ी हुई हैं। या आप मेरे सामने भी देख सकते हैं कि इस मकान में आपको दरारें भरपूर नजर आ रही हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन लोगों ने अपने केस के लिए किसी DCO या किसी मुतलका हुकाम जो है उनके से रब्ता किया कि नहीं किया? हमने MNA मलिक रियाज के पास भी हम गए हैं, उसने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की, ना मुतलका थाना, ना DPO, ना DCO, सब लोग इधर आए हैं। एक साल से ये हम परेशान कर रहे हैं, एक साल से केस चल रहा है। केस आपका किस जगह में चल रहा है? महकमा नुआई वक्त में, टाउन हॉल में भी हम गए हैं, उधर भी एहतजाज किया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सर्दी का मौसम है, बच्चे रात को डरते कमरे में भी नहीं जाते, सर्दी में बच्चे बीमार होते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने टाउन हॉल में और महकमा एनवायरमेंट दोनों जगह पे इस जगह के जो हैमर के खिलाफ है, फैक्ट्री वाले जो हैमर के खिलाफ आपने केस किया हुआ है, तो ये क्या आपको कहते हैं? इसमें DPO या किसी और का कोई ताल्लुक नहीं, इसमें या तो DCO साहब आएंगे या जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आई है उनका मसला है, महकमा माहौलियात उसका मसला है। जी सर, गवर्नमेंट सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इंस्पेक्टरों ने इनसे पैसे ले के वो हमारे खिलाफ दे दिया लिख के कि इसकी कोई हैमरिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है। लिहाजा हमारे घरों में इतनी रात को होती है, दिन को भी अगर चलाते हैं ये बारी एम्बर जो स्टीम वाला चलाते हैं ना, ये इसकी बहुत बड़ी दमक होती है। इससे हमारे घर यहाँ से अभी 10-15 गज पीछे है, फिर भी वहाँ पर ये सूरत हाल ऐसी होती है। मेरे घर का खुद शोकेस का शीशा टूट गया हुआ है। जब हमने इनसे रजू किया महकमा एनवायरमेंट से, उन्होंने उधर केस हमारा जाता, हम जाते रहे डेट तारीखों पर जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं वहाँ पर होती, किसी जगह पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। ये पैसे दे देते हैं, ये रिश्वत दे देते हैं, रिश्वत दे के हमारे खिलाफ सारा कुछ। नाज़रीन, इन रिहायशियों का कहना है कि ये हमने केस चल रहा है हमारा महकमा माहौलियात में और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, लेकिन जब हम उस जगह पे जाते हैं अपनी तारीखों पे जाते हैं तो हमें जो है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें वो लोग इंसाफ नहीं देते। चाहे वो इसमें ये इनका कहना है कि ये लोग रिश्वत दे देते हैं जिसकी वजह से ये मुकदमा जो फैसला जो है वो अगली डेटों में पड़ जाता है। जी आप क्या सर? यही बात है, इधर जो है ना जितने भी इधर मकान हैं घर वाले हैं जो रात को भी नए चैन से सोने देते, सुबह भी ऐसे ही अपना
सारा दिन दमक के साथ मकान ऐसे हिलते हैं जैसे जल्दला आ रहा है। बहुत परेशानी, हर आदमी को परेशानी है, लिहाजा इसकी मेहरबानी करके ये इसको बंद करवाएं। साढ़े तो बाले टूटे पे धमक दे नाल तो ना से निके निके बच्चे असि कद बाहर ही निकल आने भांडे डिगदे ने पे आके तुसी वेख सकदे साढ़े सारे छत्तां दा खतरा होया पिया है। कली कली टैलां आईयां ते बालियां दी सी छत गरीब बंदे पा के बैठे तो टुटदे ने पे। सानू मेहरबानी इन्हां नू बंद कराओ ते जां इन्हां दा कुछ आड़ के सानू छत्तां पा के दे जो। ਤਰਪਾਲ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਠਾ ਠਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹੈਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਸੁੱਕੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਸਕੇਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ ਕੇ ਸਾਥ ਮੁਦੱਸਰ ਕਦੀਰ, ਚੈਨਲ 5, ਲਾਹੌਰ।